अंदर से हाई स्कूल ये क्या चल रहा है, कौन सा विषय चल रहा है? बुलवा ले। कैसे चल रही है कोचिंग स्कूल में? बीएस और बीएसए के निर्देश है ना कि कोचिंग टाइम पे स्कूल नहीं, मतलब स्कूल के टाइम पे कोचिंग नहीं पढ़ा सकते आप? 10 से 12 स्कूल का टाइम, 7 से 12 मानता है, तो स्कूल के टाइम पे कोचिंग कैसे पढ़ा रहा है? कोचिंग नहीं, स्कूल चल रहा है। अच्छा, मतलब हम सब बेवकूफ खड़े हैं, मतलब बाकी आप लोग जो कह रहे हो वो सब सही है। सही, लेकिन डीआईएस और बीएसए के निर्देश स्कूल टाइम, अगर बच्चे स्कूल की कोचिंग के टाइम पे पढ़ने लगेगा तो फिर वो स्कूल तो ताला पड़ जाएगा ना सारे लोगों में। ये एक शिकायत का अलग विषय है कि वहाँ पे मास्टर नहीं आता इसलिए हम कोचिंग पढ़ा, लेकिन इनकी गलती ये है कि ये स्कूल के टाइम पे कोचिंग चला रहे हैं। उनसे आपको करनी है जो 25,000 रुपए हराम का वेतन पाते हैं। कभी माता पिता ने कहा जाएगी कि हमारी बच्चियों को दिक्कत है और वो आप लोग पढ़ाएं क्यों नहीं आते? या कभी तुम लोगों ने एक एप्लीकेशन लिखा जाकर के डीआईएस को कभी रजिस्टर्ड आके भेज देते, तो गाड़ी लेके भेज देते ना रजिस्टर्ड 25 रुपए पढ़ता मैं भी रहा हूँ ग्राहक जी, अगर वो गलत नहीं कोचिंग की मानता हो चाहे स्कूल की बात सुनिए, अगर नैतिकता की कमी होती तो ये विद्यालय न चलता। यहाँ से आप 20 किलोमीटर देख लीजिए, शिक्षा को दुकानदारी बनाकर इन छात्राओं ने क्या कभी ये पढ़ा दिया था? क्या ये इनकी जिम्मेदारी नहीं थी? क्या ये कैसे चला रहे हैं बच्ची, इसका मतलब स्कूल नहीं जाती? नहीं, अभी मैं बदौसा प्रिंसिपल का बयान लूंगा, ये हमारी कमी, इन बच्चियों का स्वीकार करते हैं कि विद्यालय टाइम पे चलता है, ये हमारी। कितना बच्चा हुआ कोचिंग में आपके? बहुत बच्चे हैं, 130 रुपए पर बच्चे बता रहे हैं लोग। अरे नहीं, बहुत बच्चे हैं, इतने बच्चे हार नहीं है। कितनी फीस ले जाती लगा लिया? अरे इधर लगाओ ना, सामने आकर के, उधर क्यों डर रहे हो? कोई वो थोड़ा ना कर रहे हो, ले लो ले लो। अब बोलो कैमरे के सामने बोलो भाई, बात की कोचिंग पढ़ रहे हैं, कोचिंग पढ़ रहे हैं, बताओ ना कि हम कोचिंग पढ़ रहे हैं स्कूल नहीं पढ़ रहे हैं। कैमरा चालू रखो। चालू है बेटा, सही बात बोलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। कहाँ पढ़ते हो? आपके लिए हम, उसके लिए आए हैं, दूर से हम कोई वो नहीं है। अगर आप ही सही बोलोगे तो कैसे? कभी एक बार अध्यापक से कहा आपने कि आप पढ़ाने क्यों नहीं आते हैं? या डीआईएस से कभी कहा जा करके? क्या जब छोटे से बच्चे, आप तो साइकिल चलाना जानते हैं, फतेहगंज में भी है, यहाँ से नजदीक फतेहगंज है, फतेहगंज में भी तो कॉलेज है, वहाँ क्यों नहीं गए? कहेंगे मुझे उत्तर चाहिए, तुम्हारी प्रश्न से उत्तर मैं मांग रहा हूँ कि अगर आज यहाँ कोचिंग पढ़ रहे हो तो बता सकते क्यों नहीं गए? अगर अध्यापक नहीं आता तो शिकायत कौन करेगा वहाँ पे? मैं करूँगा जाकर के, हम तो बदौसा के बेंचों से पूछेंगे ना कि आज ये जो बच्चे बैठे हैं बदौसा के, ये वहाँ पे कौन था वहाँ पे? बोल बेटी, अरे तो बेटी अरे बहुत बोले तो कोचिंग आप पढ़ाते हैं, एक किसी का बयान तो ले लोगे किसी स्कूल पढ़ता है, इसलिए हम यहाँ पे आए, बस इतना ही बोल दो, इतना ही बोलना है आप। कैमरा लगा? लगाए। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? थोड़ा तेज बोलो, सुनाई कम देता हूँ। क्या नाम है आपका, कहाँ पढ़ती हो? बदौसा में। स्कूल का नाम बताओ। दीना राजधानी।
आज यहाँ पे क्या कर रही है इस समय 11 बजे? कोचिंग। स्कूल क्यों नहीं गई? ले रहा हूँ। कोचिंग नहीं पढ़ा रहा है आपने? छुट्टी हो गई है कोचिंग? यहाँ अंदर बैठे तो कहाँ चले पिछले साल चल रहा था उसी में चल रहा था सर, विद्यालय में चल रहा था उसी वाले में सर जी। बारह तक में होता है? बारह? आप नहीं बोले? आप नहीं बोले। और बारह तक वाले कौन कौन अध्यापक हैं यहाँ पर? ये कौन सा स्कूल है? स्कूल का नाम क्या है? आराम से बताओ, बिना प्रेम से, कोई दिक्कत नहीं, बिना घबराहट के। आप बताओ बेटा, विद्यालय का नाम क्या है? स्कूल की मान्यता कितने तक है? 12 तक है। अच्छा, क्लास कहाँ लगती है 12 की? रोड के उस पार लगती है। कितने बच्चे हैं 12 में? तो दोनों की पढ़ाई एक साथ होती है, 12 की और 8 वाली? हाँ। इसके बगल में कहाँ पर? अच्छा, किस पार? अच्छा, होगा 12 तक की मास्टर यहाँ पे हैं? आज नहीं आया। नाम बताओ एक मास्टर को, 12 तक कौन पढ़ाता है? हाँ, उसका नाम क्या है उनका? अच्छा, तुम लोग को यहाँ पे सही पढ़ाई होती है? कहाँ से आते हो? कल्याणपुर से आते हो। कितने बच्चे हैं क्लास में? इस क्लास में कितने बच्चे हैं कुल? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, बता सकता है कोई तुम में से? बताओ। प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? मोदी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? मुख्यमंत्री का। कितने पढ़ते हो? इस वक्त मैं खड़ा हूँ बांदा तहसील के मरैनी इलाके के थाना फतेहगंज का, ये इलाका है 10 इलाका है, और ये राम मिलन आपका मंदिर है। इसका पूरा नाम है आपका बसंत कुमार पटेल यहाँ के प्रबंधक हैं, और इनका इसका पूरा नाम है राम मिलन विद्या मंदिर कल्याणपुर मरैनी। आप देख सकते हैं मैं कक्षा 3 की क्लास में इस फतेहाल स्थिति में, जो प्राइमरी विद्या का इस देश में हाल है, उसके बीच में बैठा हूँ। इन कक्षा 3 के बच्चों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम नहीं मालूम है। जब मैंने पूछा तो इस बच्चे ने, सामने वाला ये जो बच्चा है, इसने बताया मोदी, नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बता रहा है, और अध्यापक महोदय खड़े करके हंस रहे हैं। सड़क के उस पार विद्यालय की दूसरी शाखा है,
बच्चे आपकी कक्षा 3 के सामने बोल रहे हैं कि इस स्कूल को कक्षा 12 तक की मान्यता है, जबकि हकीकत यह है कि इस विद्यालय की मान्यता कक्षा 8 तक है और सड़क के उस पार अवैध रूप से कॉलेज टाइम पर जो 7 से 12 स्कूल का टाइम है प्राथमिक विद्यालय का, जूनियर विद्यालय का, उस टाइम पर ये कोचिंग चला रहे हैं और सड़क के उस पार बकायदा कोचिंग चला करके प्रति बच्चे से 130 रुपये या 100 से ऊपर की उगाही की जा रही है। 25,000 रुपये का जुर्माना इसी बात का कोचिंग चलाने के नाम पर अभी हाल में भसन पटेल के ऊपर हुआ है। भसन पटेल मौके पर मौजूद नहीं है मगर विद्यालय की स्थिति और शिक्षा के अधिकार कानून की उड़ाई जा रही धज्जियों को आप बखूबी देख सकते हैं। आने वाला देश जो भारत का है, जिन बच्चों की आड़ में तय होगा इस देश के अंदर, जो मोदी कहते हैं कि देश के अच्छे दिन आएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि देश के अच्छे दिन कितने आएंगे और कैसे आएंगे। पढ़ाई कर रहा है, रोज आता पढ़ने। कहाँ का रहने वाला है? यही पढ़ता है क्या? कौन सा क्लास है बेटा? आठ। स्कूल की मान्यता कितने तक है? जनाब क्या नाम है आपका? रामेंद्र कुमार। कहाँ बैठे हैं इस समय आप? इस समय मैं दुकान के सामने बैठा हूँ। विद्यालय कौन सा है आप? विद्यालय श्री राम मिलनपुर माध्यमिक विद्यालय। कितने तक मानता है? 8वीं तक। जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे क्या चलता है? यहाँ पे तो दुकान खुली है सर। नहीं, कोचिंग चलती है? उसके बगल में कोचिंग चलती है। अच्छा, कोचिंग कितने तक पढ़ाते हैं यहाँ पे? यहाँ 9-10 पढ़ाते हैं। अच्छा, किन बच्चों को पढ़ाते हैं? बच्चियों को, बच्चों को नहीं। बच्चे जो यहाँ कोचिंग में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके एडमिशन कहाँ पर है? उनके एडमिशन बताओ सर। किस विद्यालय में? ये अब वो बच्चियाँ कराई हैं, हम नहीं बता सकते कहाँ। आप जो अभी कोचिंग के अंदर बैठे थे क्लास में कॉलेज टाइम पर, वो क्यों बैठे थे आप? मैं देखने गया था सर, आप आ गए थे तो मैं देखने गया। तो आपको क्या ऐसा पहले से आभास हो गया था कि मैं आ रहा हूँ? आप इधर आए तो उधर मैं देखने का लगा। विद्यालय उधर है आपका, सड़क के इस पार, और इस पार कोचिंग के अंदर आप क्लास क्यों अटेंड कर रहे थे? अटेंड नहीं, सिर्फ आपको देखने गया था। पहले से आप बैठे, फिर आप हमको देख करके विद्यालय भी पहुँच गए तुरंत? नहीं सर, विद्यालय नहीं, आपके बगल में खड़ा रहा। अच्छा, विद्यालय के कक्षा, जब आप विद्यालय में गए हैं तब मैं विद्यालय में गया हूँ आपके साथ। ये बताइए कि आपके ऊपर अर्थदंड हुआ है अवैध कोचिंग चलाने का? जी। कितने हजार का? याद नहीं है सर कितने हजार का, लेकिन हुआ है। 25। कागज लिखा है इसमें, कितना लिखा है? 25,000। 25,000 रुपए का ऊपर अर्थदंड हुआ अवैध कोचिंग चलाने का कॉलेज टाइम पर। हाँ, कॉलेज ना, कोचिंग तो उस समय थी ही नहीं। तो ये अर्थदंड किस बात का हुआ था? अर्थदंड अवैध कक्षाओं के संचालन के लिए। अवैध कक्षाएं किस प्रकार की? जो बगैर मान्यता के चल रही हैं। क्यों चल रही थी? अरे सर, क्षेत्र की बच्चियां जो है दूर नहीं जा सकती, इस कारण से यहाँ पे बच्चियों को पढ़ा रहे थे और कोई नहीं। जब साहब ने कहा कि आप न पढ़ाइए तो हमने बंद कर दिया। ये वही बच्चियां थी जो तब बैठी थी कि ये दूसरी बच्चियां? ये दूसरी हैं सर, बदौसा में इनका एडमिशन है। ये अपने से कराए, हम लोग नहीं। मतलब समय के हिसाब से जनसंख्या घटती बढ़ती रहती है। जी। कहाँ के रहने वाले? यहीं कल्याणपुर। आप कोचिंग संचालक हैं? जी। किस नाम से है कोचिंग आपको? राजेश एकेडमी कोचिंग सेंटर कल्याणपुर। कितने तक के बच्चे पढ़ाते हैं आप? 9-10। बच्चे कहाँ के हैं वो? बच्चे यहाँ दूर के हैं, सुल्तानपुर छतरपुर। बच्चों का एडमिशन कहाँ पर है? आप कोचिंग पढ़ाते हैं, आपको ये नहीं पता कि आपके यहाँ कौन बच्चे कहाँ के पढ़ते हैं? कहाँ पता है सर, कभी पूछे तो होंगे? बोलचाल में पढ़ाते समय छात्र गुरु का एक संबंध होता है, कभी पूछे तो होंगे कि बेटा कहाँ पढ़ते हो? एडमिशन के विषय में पूछा कहाँ है। अच्छा, कोचिंग का समय क्या होना चाहिए? कोचिंग का समय तो विद्यालय के पहले विद्यालय के बाद। विद्यालय के पहले विद्यालय के बाद, थोड़ा जस्टिफाई मतलब, करिए। मतलब खोल विद्यालय जब तक चले। हाँ। नहीं चलाना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए। कितने समय था जब यहाँ पे हम आए हुए थे आज? सर हम उपस्थित नहीं थे, अध्यापक। कितने बच्चे हैं कोचिंग में? 80-85। आपके और इस स्कूल से क्या संबंध है कि जो है इस कोचिंग के जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं उनकी साइकिलें वहाँ खड़ी होती हैं और वो बच्चे फिर जो है आधे वहाँ चले जाते हैं और फिर यहाँ वापस आ जाते हैं? सर मैदान, छोटे बच्चे को लेने गए थे, मैदान में यहाँ खड़ी होती है साइकिल। बोर्ड क्यों नहीं है कोचिंग में? सर बोर्ड अभी बना नहीं है। कितने साल से कोचिंग चला रहे हैं? इसी वर्ष। अध्यापक कौन कौन से हैं? रजिस्टर लाए? नहीं, आप मुंह से बताइए रजिस्टर क्या लाए। राम सिंह, सेन सर जी, मैं।
ये आपके जो बगल में जो ये खड़े हैं आपके प्रधानाचार्य जी, जो इस विद्यालय रामलीला मंदिर के प्रधानाचार्य हैं, ये कोचिंग में क्या कर रहे थे आज क्लास में बैठ करके? सर मैं हाल में मौजूद नहीं था। आपने नहीं देखा है? मौजूद है रिकॉर्ड जी। ये कमरे में बैठ करके क्लास अटेंड कर रहे थे, देख करके भाग लिए वहाँ से, तो ये क्या कर रहे थे वहाँ क्लास में? इसका मतलब कि ये अपना कक्षा छोड़ करके आए होंगे, तब आपके कोचिंग में आए होंगे, तो वहाँ पर कौन था? सर मैं उपस्थित नहीं था, मुझे चलिए मामला है विद्यालय और आपको। इनका मुझे चार्ज नहीं दिया गया था, हालांकि मैं प्रबंधक जी ने कहा था चार्ज के लिए, लेकिन मुझे चार्ज नहीं दिया गया, तो मैं सहायक शिक्षक के रूप में पढ़ा रहा हूँ। क्यों चार्ज नहीं दिया गया था? अब नहीं दे रहे हैं, अब ये तो उनका मैटर, नहीं दे रहे हैं, उनका भी कह रहा मेरा विद्यालय है, मैं कह दूँ चार्ज, ये है। आपको चार्ज क्यों दिया जाए? किसी ने आदेश दिया था क्या? डीआईएस ने बीएसएल वहाँ से आई थी चिट्ठी, हमारे प्रबंधक जी का भी आदेश था, सब लोग वहाँ से आए थे। कौन प्रबंधक जी? श्री बसंत कुमार पटेल जी। वो क्या करते हैं? वो इस समय मतलब यहाँ कोटेदार यहाँ के, लेकिन प्रबंधक हैं वर्तमान में, मतलब थे, लेकिन उनको हटा दिया गया फर्जी कार्य। अब फर्जी इन्होंने कहा कि यहाँ किसी का वो राज नहीं, तो मैं उनको हटा के अपना इकलौता राज करूंगा, यहाँ कोई नहीं। किसने कहा था इकलौता राज करूंगा? प्रधानाचार्य ने, जो वर्तमान में, जो वर्तमान में है इस समय। क्या नाम है इनका? रविंद्र कुमार पटेल। अच्छा, आपने कभी कहा नहीं इनसे कि हमको चार्ज दीजिए? मैं सर कहा हूँ, लेकिन मेरे वेतन में सर परसों मेरी बहुत लड़ाई हुई है, खुद मेरे वेतन कहते तुम बसंत के आदमी, तुम्हारा वेतन नहीं दिया जाएगा, इसलिए मैं खुद परेशान हूँ कि मैं सहायक शिक्षक के रूप में कर रहा हूँ। रामेंद्र कभी विद्यालय नहीं आते? ये आते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं यहाँ, वहाँ भी पढ़ाते हैं, दोनों यहाँ कोचिंग पढ़ाते हैं। रामेंद्र इस समय यहाँ पे मौजूद हैं? हाँ, तो यही थे जो अभी फोटो दे रहे थे, यही थे ना अभी रविंद्र रामेंद्र कुमार पटेल, यही है जो भी बोल रहे हैं? जी जी, यही बोल रहे हैं। अच्छा, ये कोचिंग भी पढ़ाते हैं, विद्यालय भी पढ़ाते? विद्यालय में क्यों, एक दो घंटी होंगी, बाकी घंटी सब यही है ना। ठीक, इस स्कूल की मान्यता कितने तक है? इंटर तक मानता है, कंफर्म है? सर क्या नाम है आपका? हरवंत सिंह। कौन सा विद्यालय है? पंचमुखी इंटर कॉलेज। सर ये जो राम मिलन विद्या मंदिर कल्याणपुर है, इसके कितने बच्चे इस विद्यालय से संबंध है? लगभग 16। वो नियमित विद्यालय आते हैं? कुछ आते हैं, कुछ नहीं आते। कभी आप लोगों ने कहा नहीं बच्चों से कि आपको आना चाहिए? कहा है, मैंने काफी देहात के विद्यालय कुछ हमारे वैसे जैसे रेगुलर यहीं के हैं, तो वो भी कभी अटेंडेंस पूरी नहीं सर होती है, चाहे जब भी आप क्लास में आ जाएं। 100 लड़के हैं तो 80 बहुत है, अगर खींचे ना 75 है, 70-75 आते। अच्छा, क्या ये न्याय संगत है कि जिस विद्यालय की कक्षा 8 तक मानता हो, वो जो है दूसरे स्कूल से संबंध रख के परीक्षा दिला? कानून तो साहब बहुत बड़ा अपराध है, चूंकि जो सरकार की मंशा है, तो उसके तो बिल्कुल विपरीत काम ही हो रहा है, तो इस पे होना क्या चाहिए? अगर जो भी आप लोग शासन जो चाहे वही होगा, हमारे कहने से क्या होगा।